सो हेलो गाइस, दिस इज वेपन्स ओके जो और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक। तो ये पूरी वीडियो आज की वॉच आवर्स के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता भाई, मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई। एक बार को ना आप 1000 सब्सक्राइबर कर लोगे, बट वॉच आवर कैसे करोगे मेरे भाई? तो भाई मेरे को पता है, और मेरे जैसे जो न्यू यूट्यूबर या फिर जो पुराने भी हो गए हैं थोड़े, जिनके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, मगर उनका वॉच आवर 4000 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, तो भाई उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी है। तो भाई ट्रिक क्या है, जिससे मैं रोज के 23-24 घंटे तो यूँ ही बढ़ा लेता हूँ। एक हफ्ते से मैंने मतलब बढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैंने काफ़ी तो नहीं क्या, एक हफ्ते में मैंने काफ़ी कंप्लीट कर लिया 200-300 के आसपास। बट अगर आप और टाइम दोगे, जितना टाइम आप ज़्यादा दोगे उतने आपके मतलब रोज़ के वॉच आवर गेन होगा और जल्दी मोनेटाइजेशन होगा। तो भाई शुरू करते हैं आगे की वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप मेरी डिस्प्ले पे आ गए हो, प्ले पे आ गए हो, तो भाई आपको देख सकते हो यहाँ पर क्या करना है आपको कि क्रोम ब्राउज़र पे जाना है मेरे। जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे तो क्या करना है आपको, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन होते ही फिर आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, अपना जो अपने अपनी कोई मेल आईडी वगैरह हो उसे ऑन कर रखी है तो भाई से साइन अप कर दो। सबसे पहला काम यही करना है आपको मेरे भाई। और उसके बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री पे जाना है। हिस्ट्री पे जाके क्लीन ब्राउजिंग डाटा, देन के बाद आपको ये यहाँ पर लास्ट आवर पॉइंट ऑफ फिर ऑल टाइम क्लियर डाटा, क्लियर डाटा कर देना। अब ये क्लियर हो रहा है, क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, पेज को पूरा काट देना, इसका रिफ्रेश करो, फिर क्रोम ब्राउजर पे जाओ। फिर आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ये तीन डॉट से दिख रहे हैं ना, आपको इस पर क्लिक करना है और न्यू प्राइवेट मोड है ये जो विंडो का, इसे ओपन कर देना। और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब सर्च करते ही आपको पहले अपने यूट्यूब पे आ जाना है यहीं पर, और आपको यूट्यूब पे सर्च करना है अपने चैनल का नाम जैसे भी आपको चैनल अपना चैनल मिलता है। यहाँ अपने चैनल को ओपन करो, क्या करना है आपको, डाटा ज़रूर क्लियर करना है। अगर डाटा नहीं क्लियर करोगे तो आपकी यूट्यूब के चैनल यूट्यूब बैन कर सकता है। तो भाई ये ज़रूर प्यास से अपना डाटा ज़रूर क्लियर करें। और उसके बाद आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने पॉपुलर वीडियो चला, अपनी प्ले ऑल जो वीडियोज़ है ना सारी यहीं पर ऑन हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली, जो आपकी ख़त्म होगी उसके बाद ये सारी यहाँ पर ये चलती रहेगी। ये आप साइड में देख सकते हैं, सारी आपकी सारी वीडियो चलती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्लियरिटी को करना है, क्वालिटी को 144p पे, इसके पिक्सल बिल्कुल लो पे कर देने। देन उसके बाद जो प्लेबैक स्पीड है उसको करना है 1.5k आपकी वीडियो होगी स्पीड में। देन अपना साउंड इसको बिल्कुल ना भूले, ये तो दिक्कत हो सकती है, तो करना है बिल्कुल म्यूट। म्यूट करने के बाद इसके आप जैसे आपका अच्छा प्रोसेसर है, हार्डवेयर वगैरह अच्छा है, तो आप भाई 11-12 पेज खोल सकते हो। मैं 11 पेज खोलता हूँ क्योंकि रीलोडिंग नहीं होता मेरा बार बार बैकग्राउंड में, और मैंने 40 Mbps के राउटर मतलब नेट है मेरा वाईफाई, तो मैं उसी से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी 11 मैंने ऐसे पेज खोल दिए, और मैं इसे छोड़ देता हूँ ऐसे जैसे चल रही है वीडियो, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो होती रहेगी। जैसे यहाँ पर फिर ये आप काउंट कर सकते हो, जैसे आपके 5 पेज खुले और 5 मिनट की वीडियो है, तो लगा लीजिए 5 के हिसाब से आपने 5 पेज खोल रखे हैं और 5 मिनट की वीडियो है, तो आपको वॉच टाइम आपको मिल जाएगा। तो भाई ये सबसे ईजी वे है और वॉच आवर अपना बढ़ाने का। तो भाई देर ना करते हुए चाहिए और अपने पीसी को ऑन करिए और वॉच आवर बढ़ाइए। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब
फिर से बोलते जाओ ना भूले करना, करना ना भूले। तो चाहिए सब्सक्राइब करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ये इंतज़ार करिए। ठीक है।